साहिल अदीम, ये नाम तो आपने सुना होगा, ये एक बहुत फेमस यूट्यूबर भी हैं और फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनकी वीडियोस आती रहती है। एक स्टेटमेंट ये देते हैं जिसमें ये कहते हैं जो सिंध है, सिंध के ऐसे एरियाज जो कि बहुत बैकवर्ड है, जिन्हें हम गाँव कह लें, देहात कह लें, ऐसे एरियाज के अंदर जो लोग हैं ना, वो अपनी बेटियों को, वडेरों को, या फिर जो वहाँ पे जागीर लोग हैं उनको वो तोहफे में देते हैं। जैसे ये वीडियोस इंटरनेट पे वायरल होती है ना, तो इंटरनेट पे जब ये सारा एक तूफान खड़ा हो जाता है और इस तरह लोग भी कहें, अच्छा जब ये वीडियोस जो है ना वायरल होती है ना इनकी, तो वो लोगों की तरफ से ये जो तासरात हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव आने शुरू होते हैं। लोगों का ये कहना होता है कि आप जो है ना वो एक ख़ास सूबे को या एक ख़ास ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं और उनमें जो है ना नस्ल परस्ती बढ़ा रहे हैं, तो इस वजह से ना इनके ऊपर एक FIR हो जाती है। अब FIR का जो मुकदमा है ना वो चलता है कराची सिटी कोर्ट के अंदर जो सिंध में वाक़ है। अब उसमें FIR में इनके ऊपर जो है ना इल्ज़ाम लगे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और तीन शिक भी इनके ऊपर लगी हैं। पहली शिक है 153, दूसरी है 500 और तीसरी है 505। अब जो 153 है बेसिकली वो होती है फसाद मचाना या लोगों को उकसाना जंग के लिए, लड़ाई के लिए, ये 153 के अंदर ऐड होती है जो इनके ऊपर लगी है। दूसरी इनके ऊपर लगी है 500। अब 500 होती है किसी के अंदर गुस्सा पैदा करना, जानबूझ के उनके अंदर उन्हें इश्तियाल दिलवाना, उन्हें उनके अंदर नफरत पैदा करना, गुस्सा पैदा करना नस्ल परस्ती के लिए। अच्छा, इसकी जो सज़ा है ना, जो 153 अगर इनके ऊपर 153 आयद हो जाती है तो उसकी सज़ा है 6 महीने कैद, और अगर इनके ऊपर 500 हो जाती है इनके ऊपर मुसल्लत तो यह फैसला हो जाता है तो फिर इनके ऊपर होगी 7 साल की सज़ा। तीसरी जो है वो है 505। अब 505 है किसी को डिफेम करना, बदनाम करना, किसी के बारे में बुरे तासुरात पैदा करवाना, ये आता है 505 के अंदर। अब इसकी जो सज़ा है वो तकरीबन 2 साल कैद इसकी जो है ना वो सज़ा होती है। साहिल नदीम को हमने अक्सर भी बात करते हुए देखा है मैट्रिक्स के हवाले से, मोटिवेशंस के हवाले से, इस हवाले से हमने काफ़ी उनके लेक्चर्स भी सुने हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी हमने उसके लेक्चर सुने, और मैंने पर्सनली वे में भी मैं उनको फॉलो भी करती हूँ सोशल मीडिया पे, और मैंने भी उनके लेक्चर्स को सुना है।